को गुड मॉर्निंग। आप देख सकते हैं कृषि विज्ञान संस्थान के सामने कुछ यहाँ के स्टाफ जो हैं बैठे हुए हैं। चलिए हम ज़रा सा पूछते हैं, चलिए मिलते हैं उनसे जो यहाँ के माली हैं, जिनके मेहनत से ये सारी चीज़ें बनी हैं जो आपको ग्रीनरी दिख रहा है आसपास। ठीक है, मंदिर परिसर के और आप वीडियो में देख भी सकते हैं। इन सब के साथ कुछ परेशानियाँ आन पड़ी हैं, ज़रा सा इनसे सुने, इन्हीं के मुख से बताइए। नमस्ते, हमारा क्या क्या नाम है आपका? जी, हमारी ये कहने का मतलब है भैया, देखा हम लोग गांव देहात से बिलोंग करते हैं। हमारा कहे का मतलब ये बात कि हमने माली के काम करत भाई, माली के काम करत है तो माली का हमने के कुछ होला ना कि पेट पाले के लिए कुछ मिले के बिचाई। बिल्कुल, चार पाँच महीना से भैया हमने को पैसा ना मिला। चार पाँच महीने से पैसा नहीं मिला जी। और आप लोग महीने हर महीने तो काम करते ही हैं? पूरा 30 दिन हम लोग काम करते हैं भैया। हाँ। न गर्मी देखते हैं, न बरसात देखते हैं, न ठंडी देखते हैं। और हमारे विश्वविद्यालय में बरसात के समय इतना काम बढ़ जाता है सर कि क्या बताएं। बट हमारे अधिकारी का कहने का मतलब है कि तुम लोग कुछ काम नहीं करते हो। हाँ, कौन है अधिकारी? प्रोफेसर इंचार्ज अनिल सिंह। क्या मतलब किसी परेशानी में रहते हैं क्या, हो जिस कारण से मतलब उनके घर में कोई वैसी परेशानी जिसके चलते हो इतने रिझे हुए हो, या डायरेक्टली जो काम आप करते हो वो दिखता नहीं है? जी जी, अच्छा सर, वो तो क्या लगता है हमें मतलब? तो हमें लगता है सर उनके उनकी स्वभाव क्या है वो तो हम लोग के परे है। ओके, हम लोग उनसे एकदम असंतुष्ट हैं। उनकी व्यवहार से हम ही नहीं, हमारे विश्वविद्यालय के कर्मचारीगण जिसमें से दैनिक भोगी और परमानेंट जो हैं सभी लोग इनसे असंतुष्ट हैं, इनके कार्यकाल से। आप लोग दैनिक भोगी हैं ना? जी। ठीक है जी। प्रतिदिन कितने रुपये के मतलब दिहाड़ी पे रखा हुआ है आप लोगों को? सर, विश्वविद्यालय के तरफ से जो कागज़ में हमें अप्रूवल पे पता होता है कि 546 रुपये पर डे के हिसाब से हमें बढ़ा हुआ पैसा है। बट हमें दिया जाता है 534। अच्छा, 534 रुपये, इससे पहले 448 था। अच्छा, तो क्या किसी मद में काटते हैं ये, या ऐसे ही काट लिया? ऐसा है ना कि इन लोगों का कहने का मतलब है कि तुम लोगों को संडे की ड्यूटी का पैसा नहीं मिलता है। अच्छा, बारिश हो गया तो सुपरवाइजर बोल दिए कि आज काम बंद है, तो उस दिन काम बंद हो गया तो उसका पैसा कट जाएगा। हॉलीडे का पैसा नहीं मिलता है, ना हमें पीएफ की सुविधाएं मिल रही है। सर, 2017 से पीएफ लागू हुआ है, अभी तक हमें नहीं मिला। विश्वविद्यालय के सारे डिपार्टमेंट में जो एग्रीकल्चर, सफाई, सहायक सेवाएं, PWD, UWD सब जगह है अवेलेबल, मगर उनमें ऐसा ये महसूस नहीं कराते लोग कि किस तरीके से आप जितनी अच्छे से मेहनत करते हो। ठीक है, उसको मिलजुल कर काम किया जाए। अच्छा, एक बात हमें बताइए कि जिस तरीके की गाली वो देते हैं उससे तो मतलब मन तन मन सब हिल जाता है, एकदम जीव अजीज हो जाता है। एक तो जेब में पैसा नहीं है, आप सोच लीजिए सर, जुलाई का महीना, बच्चे हैं जो पढ़ने जाते हैं, वहाँ के टीचर निकाल देते हैं, फीस जमा करो, बैग लो, ये हो तो दुनिया के प्रकार, खाने के हम लोग लाले पड़ जाते हैं। अच्छा, आप लोगों का हेल्थ कार्ड ये सब तो नहीं बनता? नहीं नहीं सर, ये लड़का गैंगरिंग दिखा रहा है, दिखाइए जरा। तो पैर में गैंगरिंग हुआ है, फरसे से चोट लगा। ये देखिए, फरसे से चोट लग गई ना, गैंगरिंग। अधिकारी एक बार भी नहीं फोन करके कहा कि जाओ सर्जरी वार्ड में, हमारा नाम बता देना या तुम्हें ये फैसिलिटी मिलेगी तो तुम दिखा के इसको करवा लेना। एक लड़का भी और है, उसका आरी से पैर कटा हुआ है सर, पेड़ पे चढ़ा देते हैं सर। एक लड़का पेड़ से गिर गया, उसको बुला देंगे। हाँ। उसको भी कुछ नहीं, दवा दारू के लिए न पूछे वो भी, दोनों लोगों भी बुला सकते हैं, अभी हैं पास में, कहेंगे। ये देखिए सर, हरा भरा बगिया हम ही लोग किए हैं ना, जब हम ही लोग सूखे रहेंगे तो कैसे रहेगा ये सब जो है? जब बगिया को जब माली ही नहीं है सर, रोटी नमक लेके आते हैं घर से सर, रोटी नमक लेके गठिया के आते हैं। अच्छा, आप शायद सुना था कि प्रधान भी रहे हैं? नहीं नहीं, वो पत्नी थी, धर्म पत्नी आपकी पहले। हमारे ऊपर किसी कारण से सर जो है हमसे नाराज हो गए, यही महीना जो करीब करीब 7-8 महीना का पैसा रुका था। तो भाई, आप हमारे अधिकारी तो वापस से पूछेंगे ना? बिल्कुल बिल्कुल। तो तुरंत माँ बहन की गाली देने लगे। कौन जो यही अनिल सर, इनसे हम बोल दिए, जब गाली ग्लोज दे दिए सर, हमको बर्दाश्त नहीं हुआ कि आप अधिकारी हैं, गाली क्यों दे रहे हैं, आपको बताना चाहिए कब मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये हो
तुरंत माँ बहन की गाली देने लगे और उसी समय हमसे नाराज भी हैं और हमको निकाल दिए। हर महीने में 2 बार 3 बार आते हैं सर। आपको मतलब जॉब से ही निकाल दिया? निकाल दिए हैं सर। ऐसी कोई सूचना आपने दी मतलब यहाँ के वाइस चांसलर सर से? नहीं सर, ये तो नहीं थी। जाएंगे तो ये और जो है हमारे साथ और लोग को भगा देंगे, इतना दबाव बना के रखा है। आप लोगों ने अपनी मांग में क्या क्या रखा है जरा हमें बताइए। हमारी मांग यही है कि हमारे अधिकारी अपना बिहेव जो है इनको तो पहले हटाया जाए। हाँ। सबसे ये जो कार्यभार है इनको इस पद से हटाया जाए, हमें मेडिकल की सुविधाएं दे दिया जाए, ईपीएफ की सुविधाएं कर दिया जाए, जो हमारा पैसा है 1 से 5 के बीच में टाइम टू टाइम आया जाए, जो पैसा बढ़ता है उसका एरियल दिया जाए बस। और हमारी यही हर जगह सब विभाग में मिल रहा है सर, टाउन कमेटी, PWD सब स्तर सब लोग को मिल रहा है सर। हम ही लोग अभी 1 महीना में 30 दिन होता है, 30 दिन 1 दिन और हम 20-22 दिन का पैसा देंगे, कुछ नाराजगी नहीं। कभी कभी तो रात में कराते हैं काम। नुकसान हो रहा है कि विश्वविद्यालय में हम लोग के हाथ का जो पौधा लगा हुआ है वो समझ लीजिए हमारे बच्चे हैं, है ना, उनको खाना पानी नहीं मिल रहा है 3 दिनों से, तो हमें कष्ट हो रहा है, लेकिन हमारी भी मजबूरियाँ हैं। बिल्कुल, हम लोग उस पर बहुत शर्मिंदा हैं, ये बात नहीं है उसमें हम शर्मिंदा, लेकिन हमारी भी तो हमारों पल्ले भैया ने पेट है। आप लोग कितने तारीख से करीब? शनिवार से हैं। शनिवार से मतलब शनिवार कौन सा दिन डेट था ये आपका? आज 12 तारीख है तो 8 तारीख हो गया ना, 9 तारीख से आप लोग मतलब एक तरीके से। और हमारे भी सब अच्छा काम करने का बंद ये था जो जरूरी था कि एक कर्मचारी को सर गाली भी दे दिए, उसको मार भी दिए। एक क्या 4-5 इनका हमेशा का ऐसा ही आदत नहीं सर, 4-5 घर का गुस्सा पता नहीं क्यों हम लोग को ऊपर उतार देते हैं इनको। अच्छा क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सर राजू राय नाम है। राजू राय, 2 नवंबर 2015 से आया हूँ ये रहने वाले, और हम रहने वाले हैं गंगापुर गंजारी गांव के। और हम सोचे कि इंटर का पढ़ाई किए बायो से, तो हम यहाँ पर आए तो सोचे कि या तो परमानेंट हो जाए या तो रेगुलर हो जाए, कुछ हो जाए तो अच्छी बात है। बाकी यहाँ पर आए कुछ समझ में नहीं आया, धीरे धीरे 6-7 साल का दिन बीत गया। और यहाँ पर जब हम कुछ लोग कुछ कुछ ना बदले या कुछ बोलते हैं तो डांटते हैं और गाली देते हैं। और बच्चे तो सर प्रूफ रखे किसी क्या मतलब किसी मौके पर आप पे हाथ भी उठाया क्या? यस। क्या कारण था? और उनके प्रोजेक्ट में हम लोग रहते हैं, 2 लोग रहते हैं, नरेंद्र जैसल है और अथवा राजू है, मेरा नाम है राजू। प्राइवेट प्रोजेक्ट चलाते हैं, प्राइवेट प्रोजेक्ट चलाते हैं और उसमें BHU के फंड से उनको इन लोगों को रिलाइज होता है, जो आता है रिलीज होता है जी, पैसा जो फंड BHU करती है तो ये अपने जो प्रोजेक्ट का पैसा उसको सब सेव करते हैं और सैलरी इससे देते हैं इन लोगों को। और तो सर सुनने में आता है का प्रूफ रखे हैं कि और बच्चों को जो है पैसा 2-2.5 लाख रुपए लेके उनको बढ़िया जगह सेफ्ट कर दे रहे हैं, हम लोग पुराने हैं इसी उधर उधर भटक रहे हैं। मतलब 2.5 लाख रुपया लेकर मतलब इसी में प्रूफ लिए हैं सर, प्रूफ लिए हैं जो है अब हम ही को दुख रहे हैं सर। और सर मेरा ये सिद्धांत है कि मतलब जैसे जितने हम भाई बंधु हैं डेली बेस कर्मचारी हैं तो हम ये चाहते हैं कि मतलब कि जवानी का जब ये मजा ले रहे हैं तो बुढ़ाई में हम लोग क्या करेंगे, जैसे बुढ़ाई में हम लोग क्या जवान है इस समय यंग होकर पूरी मेहनत से काम कर रहे हैं, तो बूढ़े या जैसे 20 साल से कार्यरत हैं अब हमें आप निकाल देंगे कि अब यहाँ से तुम्हें कार्य नहीं करना है तो बताइए हम क्या करेंगे, आत्महत्या ही करेंगे ना। 10-15 बच्चों को भगा दिए हैं सर, 21-22 बच्चों। अच्छा कैसी परेशानियों का सामना करना पड़ता है घर में क्योंकि जब पैसे नहीं होते हैं जी? अरे सर बताइए जो है तो जरा बताइए, जब हम लोग चलते हैं ना सर पेंसिल वेंसिल के लिए बच्चे 10 रुपये मांगते हैं ना, तो इधर उधर मतलब आँख से पानी गिरने लगता है कि अब कहाँ से दें, 4-5 महीने से तनख्वाह नहीं मिला है, घर में का कैसे चूल्हा जल रहा है कैसे नहीं जल रहा है सर, और गाली देंगे कि माटी साले खा। देखिए दर्शकों हैं कि ऐसा सिचुएशन इन मालियों के साथ ये बिल्कुल ही अनपेक्षित है, चाहे जिन कारणों से भी प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा ये कदम लिया जा रहा है एक लंबे समय से। ठीक है, इससे पहले वाले सर अधिकारी बहुत बढ़िया थे। अच्छा आपको जरा ये बताइए कि थोड़ी देर के लिए अगर कोई वैसा अधिकारी का नाम सुझा सकते हैं जो इस चीज़ को अच्छे तरीके से मतलब बैलेंस कर सके और आप लोगों के लिए सोच सके, सही सोच सके, गाली वाली ना दे, व्यवहार अच्छा करें, कोई वैसा है अधिकारी आपकी नज़र में एग्रीकल्चर से? सर अधिकारी तो हम नहीं बता सकते हैं, अब उन्हीं लोग चिन्हित करके कोई बढ़िया सा अधिकारी भेज दे। अच्छा। कि हम लोग के साथ मतलब अच्छा व्यवहार करेंगे
तो हम लोग दिलो जान से उनके लिए भी जो है जो भी कहेंगे वो सुनेंगे सर, सुनते थे और पहले करते भी थे। ये तो 5 मिनट अगर उनके सामने अगर पानी पीने चले जाएंगे सर ना, अगर वो देख लिए तो उसके ध्यान से वो भगा देंगे। अभी जो है सर इसको डेवलपमेंट करने वाले हम लोग हैं, हम लोग के हाथ का ये पूरा मंदिर डेवलपमेंट हुआ है, नहीं तो यहाँ पे पूरा पोखरा था, पूरा जंगल था सर। जब यहाँ स्पॉट पे हम काम करने नहीं आएंगे तो ये स्पॉट गंदा होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये सब जहाँ पे 6 लोगों का पोस्ट है। अच्छा कुछ ऐसा भी है कि देखिए ये सर जहाँ 6 लोगों की आँख से आंसू भी आ गए, ये बताइए कि पेड़ों की जिस हिसाब से कटाई हो जा रही है, सूख जा रहे हैं, इनके पीछे क्या लगता है? ये सर हम लोगों का ना उनको आह लग रहा है, अनिल सिंह की वजह से ही पौधे सूख रहे हैं। हम लोग जब नहीं सूखी है तो पौधा नहीं सूखी रहेंगे, वो अपने को ये साक्ष कर रहे हैं कि मालियों से दुर्व्यवहार होने के कारण हम अपने को आत्महत्या कर रहे हैं, पौधे कर रहे हैं। तो सर हम लोग में करने के लिए कुछ ही नहीं है। अभी सोचिए एक माली की भावना आप देखिए कि पौधों पे ठीक है जो प्रभाव पड़ रहा है वो इतना दिल से जुड़े हैं कि वो महसूस कर लेते हैं कि अगर पेड़ सूख रहे हैं तो इसमें हमारी स्थितियां हैं। और सर जो नॉन टिची क्लब के सामने बहुत सारे आम के पेड़ हम लोग ही लगाए हैं, कुछ भी नहीं। जुलाई के मौसम में सर, जुलाई के मौसम में एक कटिंग का फ्ला जो भी कटिंग होता है उसको आप गाड़ दीजिए, 4-5 दिन के अंदर उसमें जड़ आना ही आना है। इसमें जो फलदार पौधे लगाए जाते हैं इसी जुलाई किसी महीने में लगता है। अच्छा ऐसा भी होता है क्या कि जो वृक्षारोपण वाले दिन सर, वृक्षारोपण वाले दिन 5 जून का दिन था, उस दिन 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया गया, रविवार का दिन था, छुट्टी वाला दिन था, उस दिन भी हम लोग पूरा भाग लिए हैं। आप मगर उसका पैसा काउंट नहीं होता? नहीं देते हैं। नहीं उसका पैसा नहीं, जबरदस्ती जोर जबरदस्ती कराया गया हम लोगों से। जितना भी 40 पौधा आम का लगा है जिसमें अम्रपाली, लंगड़ा, दशहरी कुछ भी नहीं है, केवल एक ब्रांच है जिसमें मल्लिका है और अम्रपाली, और सब सूख गए? और नहीं सूखे हाँ। नहीं है सूख गए, अब सूख गए, अब सूख हम लोग को जब हम लोग जा ही नहीं रहे, पानी नहीं दे रहे हैं वो सूख ही जाएगा ना। जब हम लोग सूख रहे हैं सर तो बताइए जो है जहाँ पर देखने वाले जरा सोचिए कि ये अपने घर पे 2 पाटन का मकान बनवाए हैं सर, के झुआ हम लोग से धोवाए हैं, ईटा माटी बालू सब धोवाए हैं, अपने घर का काम कर रहे हैं, घर का कार्य एक्स्ट्रा अपना, उसके लिए तो अलग से पैसा नहीं दिए हैं, इसी में से देते थे। अच्छा जो लकड़ियां सूख जा रही हैं, जो बिकते हैं, बेचा जाता है, क्या उसके पूरी बिक्री का पैसा जो है उसकी बिक्री का पैसा एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं कि सब पूरा जमा करते होंगे लोग? अच्छा जी, इसमें भी धांधली होती है। 5 क्विंटल लकड़ी बेचेंगे तो 1 क्विंटल दिखाएंगे, 4 क्विंटल 10-12 ऐसे लड़के हैं कि बाहर कार्य करते हैं, उनका भी हाजिरी भर के ये लोग पैसा ले लेते हैं। ऐसा इसमें ये अच्छा ऐसा भी है, मतलब वो सब उन सबको निकाल दिए, मतलब अपने ऐसे ऐसे अपने लड़कों का भर के घर पे रखे हैं, कहीं और जगह लगाए हैं, ऐसा ना कि उनका भी जो है हमारे विभाग में ये प्रोसेसेज है कि जैसे आप 70 लोग का सेंक्शन हुआ है तो 74 लोग हैं, 72 लोग हैं, तो इसमें ये कहते हैं कि 3 लोग 4 लोग आप लोग बैठ जाओ, आपके लिए काम अगले महीने से चालू होगा। इसमें ये लोग करते क्या हैं, उन लोगों को चिन्हित करते हैं, चिन्हित करने के बाद उसकी सैलरी बना दिया जाता है, फिर उनको फ़ोन करके हसारमेंट किया जाता है कि जो पैसा तुम्हारे अकाउंट में गया है तुम काम नहीं किए हो, वो पैसा ला के हमें दे दो, नहीं दोगे तो जहाँ तुम काम कर रहे हो वहाँ काम नहीं कर पाओगे, तुम्हें निकाल दिया जाएगा। ऐसे में हमारे पास कुछ साक्ष्य हैं, हम प्रूफ रखे हैं अपने पास रिकॉर्डिंग इन सुपरवाइजर। चलिए मैं आप लोग से निवेदन करता हूं कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय में जो भी पेड़ की स्थिति है, चूंकि आप ही लोग उसके सर्वे सर्वा हैं, उनके प्रति, पेड़ों के प्रति और वनस्पतियों के प्रति आपका जो झुकाव है वो बना रहे, और जितनी जल्दी हो सके इसका एक अच्छा सा निवारण निकले, और आप लोगों को कम से कम हेल्थ की सुविधा के लिए हेल्थ कार्ड व्यवस्थित हो। नहीं चाहिए, हम नहीं मांग रहे कि आप हमें परमानेंट ही कर दीजिए, हमारा जो हक है जो वो कम से कम दीजिए, दे रहा है हमें भी नहीं, लेकिन विश्वविद्यालय के अदर स्टाफ जो हैं, हर जगह के स्टाफ और मालियों में अंतर है, क्योंकि मालियों में जो लाइफ रिस्क है उसके लिए कोई ना कोई प्रावधान होना चाहिए, होना चाहिए, लेकिन कुछ भी नहीं है, कुछ भी कोई बात नहीं लग रहा है सर कि जो मिल रहा था अब ये सब सुनने के बाद भगा देंगे एकदम। नहीं नहीं नहीं, नहीं आप ऐसा नहीं सोचे, क्योंकि देखिए भैया जी के देखा जान के जहर खाते ना,
तब हमने जान के जहर खाते ही ये तो हमने जाना था कि हमने का परिणाम अब जो भी हो हम लोग को अगर अनिल सिंह के अंडर में काम नहीं जब से आए हैं दुराचार कर रहे हैं व्यवहार बढ़िया नहीं। आप देखिए आप एक भरोसा करिए, अब मुझे नहीं पता नहीं, कि अनिल सिंह सर या और लोग किन कारणों से ऐसा कर रहे हैं, क्या अंदर में चल रहा है उनके, लेकिन मतलब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर सेंसिटिव हैं, ठीक है, और एक अच्छे इंसान है वो, ठीक है, अब हमारी और सर हम लोग का गुहार है, एक ठीक है लेते सर, वो जो है एक अच्छा निर्णय लेंगे जिससे कि आपको जो भी परेशानियां हुई, ठीक है, और सर उन सबको भुला कर आप काम करें, नहीं भाग रहे हैं कि हम लोग काम, सर हम लोग काम के प्रति अपने विश्वविद्यालय के प्रति बहुत आस लगाए रहते हैं। चलिए आप सभी को धन्यवाद। इस विश्वविद्यालय में हमारे पुश्तैनी परिवार मेरे पिताजी से लेके चाचाजी से लेके हमारे पूरी विश्वविद्यालय की सेवा में ही कार्यरत रह चुके हैं हम लोग। चलिए इसका निवारण जल्दी हो, धन्यवाद हमारा।